Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. सिगरेट से लेकर अगरबत्ती तक बनाने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड का नाम आज कौन नहीं जानता। शेयर बाजार में बोनस और डिविडेंड के लिए मशहूर इस कंपनी के प्रोडक्ट आज भारत के घर घर में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी अभी कई लग्जरी होटल चेन के अलावा पैकेजिंग, एफएमसीजी, फैशन, रिटेल जैसी कई सेक्टर्स में दमदार मौजूदगी रखती है। यहाँ तक कि इस कंपनी में खुद भारत सरकार की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। विशाल कारोबारी साम्राज्य चलाने वाली इस कंपनी की शुरुआत की कहानी कम रोचक नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मशहूर कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने भारत के घर घर तक अपनी पहुंच को बना लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिस्तक। क्या आप जानते हैं आईटीसी का नाम पहले आईटीसी नहीं हुआ करता था, किस किस मौके पर इसका नाम बदला गया, चलिए जानते हैं। कंपनी की स्थापना 24 अगस्त 1910 में हुई थी। तब इसका नाम इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड था। बाद में इस कंपनी में धीरे धीरे भारतीय हिस्सेदारी बढ़ती चली गई। हिस्सेदारी में आए बदलाव के चलते पहली बार 1970 में इसका नाम बदला गया। तब इस कंपनी का नाम बदलकर इंडिया टबैको कंपनी लिमिटेड किया गया। चूंकि साल दर साल कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और ये मूल कारोबार सिगरेट के दायरे से बाहर निकल चुकी थी, एक बार फिर नाम बदलने की जरूरत महसूस हुई। दूसरी बार 1974 में इसका नाम बदलकर I.T.C. लिमिटेड किया गया। ये मैं डॉट इसलिए लगा रहा हूँ, वो आपको आगे समझ आएगा। साल 2021 में एक बार फिर नाम में बदलाव हुआ और फुल स्टॉप को हटाकर सीधे ITC लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी अब इसी नाम से जानी जाती है और पहचानी जाती है। आज की ये दिग्गज ITC लिमिटेड किसी जमाने में बेहद साधारण शुरुआत के साथ वजूद में आई। 110 साल से ज्यादा पुरानी इस कंपनी की शुरुआत काफी साधारण तरीके से हुई थी। इसका पहला ऑफिस कोलकाता के राधा बाजार में खुला था, जो किराए की जगह पर था। कंपनी को अपने पहले ऑफिस के लिए जमीन खरीदने में 16 साल लगे। कंपनी के 16 साल पूरे होने के मौके पर 24 अगस्त 1926 को 37 चुरौंगी, जो अभी जवाहरलाल नेहरू रोड के नाम से जानी जाती है, इस पर जमीन खरीदी गई। तब कंपनी ने उस प्लॉट को खरीदने में 3.10 लाख रुपए खर्च किए थे। 2 साल बाद वहां आईटीसी का पहला ऑफिस बनकर तैयार हुआ, जो कोलकाता शहर में जाना माना लैंडमार्क बन गया है। कंपनी के शुरुआती कई दशक मूलतः सिगरेट के कारोबार पर फोकस रहे। अपने सिगरेट और तंबाकू बिजनेस को मजबूती देने के लिए आईटीसी ने 1925 में पैकेजिंग और प्रिंटिंग बिजनेस की शुरुआत की। कारोबार बढ़ाने की दिशा में कंपनी ने पहला बड़ा कदम 1975 में उठाया। आईटीसी ने चेन्नई में एक होटल खरीदकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कदम रखा। आईटीसी का पहला होटल चेन्नई के कैथेड्रल रोड पर आईटीसी वेलकम ग्रुप होटल चोला नाम से शुरू हुआ, जो अभी वेलकम होटल बाय आईटीसी होटल नाम से जाना जाता है। अभी कंपनी आईटीसी होटल्स, वेलकम होटल, फॉर्च्यून होटल्स और वेलकम हेरिटेज ब्रांड नाम से 100 से ज्यादा होटल चला रही है। भारत के बाहर श्रीलंका में भी कंपनी के पास एक प्रीमियम लग्जरी होटल है। आईटीसी का काम केवल भारत तक ही नहीं सीमित रहा है, वे आगे भी बढ़े। नेपाल में भी इन्होंने अपना कारोबार फैलाया है। चंद साल बाद ही कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में पेपर बोर्ड बिजनेस को शामिल करा था। साल 1979 में आईटीसी भद्रांचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड की शुरुआत हुई। साल 1985 में आईटीसी ने पड़ोसी देश नेपाल में सूर्या टबैको कंपनी की शुरुआत की। 1990 के दशक में आईटीसी एग्री बिजनेस में उतर गई। आईटीसी का ई चौपाल आज देश भर के किसानों के बीच लोकप्रिय है। साल 2002 में कंपनी ने एजुकेशन और स्टेशनरी बिजनेस की शुरुआत की। क्लासमेट और पेपरक्राफ्ट इस सेगमेंट के आईटीसी के फेमस ब्रांड है। इसी दौरान कंपनी विल स्पोर्ट नाम से लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेस में उतर आई। विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक का नाम कौन नहीं जानता होगा। आईटीसी के हैं विभिन्न प्रकार के सेगमेंट, जो अब काफी फेमस ब्रांड्स बन चुके हैं। 2000 के दशक की बात है, तब कंपनी ने तेजी से पोर्टफोलियो का विस्तार करना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत हुई तेजी से उभर रहे आईटी सेक्टर से। कंपनी आईटीसी इंफोटेक इंडिया लिमिटेड नाम से आईटी सेक्टर में उतरी। यही दौर था जब आईटीसी ने एफएमसीजी में भी कारोबारी विस्तार किया। आटे का आशीर्वाद ब्रांड हो या फिर सनफीस्ट बिस्किट हो, आईटीसी आज रेडी टू ईट, किचन्स ऑफ इंडिया,
सनफीस्ट टीपी, गमॉन च्युइंगम, आशीर्वाद स्वास्थ्य घी, सनबीन चॉकलेट, आशीर्वाद स्वास्थ्य पैकेज दूध, इन सभी ब्रांड्स को आज भारत के घर घर में जाना जाता है और ये घर घर तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। वहीं मंगलदीप अगरबत्ती और माचिस भी ITC के ही ब्रांड हैं। वहीं फैशन और पर्सनल केयर में फिलामा और विवेल्स जैसे बड़े प्रोडक्ट्स भी इन्हीं के ब्रांड हैं। भारत में ITC का आर्मेंटोरस सिगार ब्रांड काफी फेमस है। अब अगर ITC के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो तिमाही आधार पर इसे 4,259 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ये साल भर पहले तक 3,816 करोड़ रुपए की तुलना से 11.6% ज्यादा है। इस दौरान कंपनी का राजस्व 15,404 करोड़ से सालाना आधार पर 15.2% बढ़कर 17,754 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने मार्च तिमाही में इन्वेस्टर्स को हर शेयर पर 6.25 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी दिया है। सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी के इन्वेस्टर्स को प्रति शेयर 11.50 रुपए का डिविडेंड मिला। पिछले 6 महीने के दौरान ITC के शेयर का भाव करीब 25% चढ़कर 270 रुपए पर पहुंच गया है। तो देखा आपने ITC कहां से और कहां तक का सफर करके आज आपके सामने ITC लिमिटेड बनकर खड़ी है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने और अपने जानकारों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिजनेस टाइम। नमस्कार।